न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। बीपीएससी की परीक्षा में परीक्षा पत्र लीक होने के सवाल पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया है और बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला जेपी स्मारक के समक्ष फूंक डाला। पुतला दहन से पूर्व एक सभा की गई, सभा की अध्यक्षता जन अधिकार पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष अविनाश कुमार उर्फ लड्डू यादव तथा संचालन छात्र प्रदेश उपाध्यक्ष रितेश कुमार ने किया। सभा को संबोधित करते हुए अविनाश कुमार उर्फ लड्डू यादव ने कहा कि यह सरकार छात्र विरोधी सरकार है। एक तो समय पर बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती और अगर लेट से होती भी है तो उसमें भी परीक्षा का प्रश्न लीक हो जाता है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कड़ा संज्ञान लेकर बीपीएससी के सचिव को बर्खास्त करना चाहिए तथा उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आगे पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने कहा कि सरकार के मंसूबे ठीक नहीं हैं। छात्र नौजवानों की जिंदगी को तबाह किया जा रहा है। ऐसे में हम सब पुतला दहन कर सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है ताकि सरकार छात्र हित में काम करे और पुनः जल्दी बीपीएससी का पारदर्शी तरीके से परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। पुतला दहन में मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव डॉक्टर बवन यादव, कमलेश तिवारी, डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, पुतुल यादव, रजनीश कुमार, अमित श्रीवास्तव, शिव भूषण ठाकुर सहित दर्जनों नेता मौजूद थे। देखिए आज हम लोग बीपीएससी के जो बीपीएससी का कल एग्जाम हुआ था उसका जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था उसी के विरोध में हम लोग आज बीपीएससी के मुख्य सचिव का पुतला दहन का कार्य किया। हम लोग नीतीश सरकार से और नीतीश कुमार से बिहार के मुख्यमंत्री से अपील है कि जल्द से जल्द बीपीएससी के मुख्य सचिव को पद से हटाया जाए और पुनः तुरंत बीपीएससी का एग्जाम कराने का निर्णय लिया जाए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इसलिए हम लोग आप बीपीएससी के मुख्य सचिव का पुतला दहन का कार्य किया। अगर जल्द से जल्द अगर बीपीएससी का एग्जाम नहीं होता है तो हम लोग आगे और उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अविनाश कुमार उर्फ लड्डू यादव, युवा परिषद जन अधिकार पार्टी, भोजपुर। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।